हमारे सामने खड़े होकर पेशाब करने लगे थे। तो हम 3 बार घूंघट करे के चले आए और तीसरे चौथी बार हम गांव वाले को दिखाई। हमने कहा हमारे झूठ मानो तो देखे देख लो चुप्पा तुम लोग खड़े होकर पीछे। तो देखे उन्होंने तो फिर गए। तो हम होने पर रोएले करे हमारी एक बच्चे तो उतरे से एक दुई दूधी आ रहे। तो बोले क्यों रोए रहे? तो हमने कहा देखियो चाचा जो अभी पेशाब करे इन्हें और कहाँ पे करो मैंने जब भीजे धरे देखो यहीं और का सुने। तो बोले तेरी अम्मा बहन चौदह हम तो हमारे तो मोदी सरकार है तू कुछ ना कर पावेंगे पुलिस मेरा है और जो पुलिस की मुखभूर है अब हम वैसे तय है। देहराज मिठू ना हो कहाँ रहते हैं आप? यहीं गुजरपुरा हूँ। तो ये आरती हैं जो उनको जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ लड़ाई हुई थी। ये भाई हैं हमारे जी विंदर। अच्छा। और ये दावत खान गए थे तब झगड़ा हुआ था। ठीक है किससे हुआ झगड़ा? महेंद्र से। किसका हुआ? महेंद्र से हुआ था बाबू का और उसका क्या नाम है बाबू और वो भारत। किस बात पे हो गया? अब ये तो मुझे नहीं पता किस बात वो हुआ था। ठीक है क्या हुआ? वो इन बच्चों को छेड़ गए थे। हाँ उसी टाइम उसी चक्कर में इनका झगड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ तो ये बात सच है? हाँ सच है। उसमें का इसमें कोई पूरा गांव को पता है ये कोई? मैं आपका अनुखलाल यादव। कहाँ रहते हैं? घनेटी इसी गांव में। तो ये जिनके आरती हैं और ये इनके साथ क्या हुआ? आरती में महेंद्र ने इनके यहाँ झगड़ा हुआ था वहीं गए थे खाने का कहाँ। हाँ। भागे बाद जाते हैं अब ये गोबर हो नान बिचारी जाती है तो छाँटते छाँटते हैं इसके सामने बैठ कर पेशा फेसा फिर देते हैं। अच्छा कौन लोग करते हैं? गुजर है लड़का दो। क्या नाम है? एक का नाम है बाबू एक का भारत एक का भारत एक का बाबू। अच्छा। बस ये दो लोग हैं दबंगी दिखा लोग। रहे हैं। हाँ दबंगी दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? हरिलाल। कहाँ रहते हैं? धनेती इसी धनेती में। जोर से इसी धनेती में। तो ये आरती हैं इनको जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या हुआ इनके साथ? ये छेड़खाड़ करते हैं और कहीं दावत खाने गए तो पंगा हुआ था मारपीट। किन्ने करी? भारत ने मुस्लिम बाबू ने है? भारत ने बाबू ने मारपीट करी। नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। थाना अलीगंज ग्राम गुजरपुरा धनेती आरती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने बताया है कि गांव के दबंग बबलू भारत आए दिन रास्ते में घेर कर गलत हरकत व छेड़खानी जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं आरती के पति महेंद्र को कच्ची शराब अफीम सुल्फा आदि में फंसाने की कोशिश करते हैं। मकान में दारू की कच्ची दारू और पी के फेंकते हैं पत्थर फेंकते हैं। वहीं दबंग पुलिस के मुखर होने के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं गांव वहीं गांव छोड़ने की धमकी भी देते हैं। पीड़ित बहुत डरा सहमा हुआ है और वो अपने न्याय चाहता है। वहां से कच्ची दारू और अफीम मकाने पीछे में डालने चाह रहे हमारे आदमी के। इस बात को लेकर उन्होंने मीडिया को पूरी बात बताई कहीं से फंसाएंगे और इंसाफ की मांग की है। भारत और बाबू देखिए खबर ज्यादा ज्यादा शेयर करिए जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। तुम फोटो से मारो फूटे के आवोगी तभी हम तुम्हें देख लेंगे अब हम कुछ ना कर पाएंगे। हम आप मेरी सुनना रे बिल्कुल। तई फिर हम घर चले आए। घर चले आने के बाद फिर हमने दिमाग में सोची फिर मैं अलीगंज हो आए तो अलीगंज बारे ने जो कही तुम चले जाओ गैनी चौकी और वहाँ सूचना दो। तो हम दरवाजी साहब आए तो बोले कैसे आए? तो मैंने साहब अब तुमने हमारे कुछ ना सुने अब वे लोग हमारे आदमी को फंसन चाह रहे आप ही मारू का कहते कच्ची दारू लेके और छत्ते में डन्ने चाह रहे हमारे आदमी को फंसन चाह रहे। तो बोले हम तुम्हारे कहते बिल्कुल नहीं सुनेंगे
हम बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। बाद में उस दिन हम अलीगंज चौकी बुलाया, अलीगंज तुम्हारा हाथ जोतते रहे, तुम फैसला कर लियो, तो तुमने फैसला ना करा, हम तुम्हारे कतई ना सुनाएंगे, जा कह रहे दरोगा जी साहब। तो हमने कही ना सुनोगे तो बोले हम ना सुनाएंगे। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती। तो क्या धनेती क्या हुआ? अरे जो गोबर कूड़ा लेके जाते हमको छेड़छाड़ करते, और क्या कहते हम गोबर कूड़ा लेके जाते।